Now we will solve today example related with the constant volume process. So first of all we will write the data. So a cylindrical vessel of 1 meter diameter, and 4 meter length, has hydrogen, gas at a pressure, 100 kilopascal, and 27 degree centigrade. Determine amount of heat to be supplied, so as to increase gas pressure, to 125 kilopascal, for hydrogen, Cp, is given 14.307 kilojoule per kg Kelvin. Cv is also there. Cv is equal to 10.183 kilojoule per kg Kelvin. Okay, clear? So this is the data. I hope that this data is visible to all. Now, first of all, we will try to correlate this example with the real situation. So here, suppose this is the cylinder. Here we have cylinder. ये cylinder है हमारा, बराबर ना? Real में ऐसा होगा, देखो real में जो है 3D अगर draw करते हैं तो ऐसा रहेगा cylinder, बराबर ना? Cylinder ऐसा होता है, ये उसका diameter होगा और ये length रहेगी इसकी, length कितनी है? 4 meter दिया है और ये 1 meter है, मगर जब हम यहाँ से देखेंगे तब तो rectangle दिखेगा. तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, उसका डायामीटर कितना है? उसका डायामीटर जो है 1 meter है, बराबर है. उसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 4 meter है. उसके बाद क्या लिखा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस फील किया है, ये सिलेंडर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस है, बराबर. प्रेशर कितना है शुरू में? तो देखो हम यहाँ पे P1 लिख लेते हैं. P1 कितना है? P1 100 kilopascal. अब किलो पास्कल का पास्कल में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10^3 पास्कल हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा P1. उसके बाद T1, जो है कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर यहाँ पे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, बराबर. तो ये शायद 300 केल्विन हो जाएगा, ये T1 है. अब क्या है, इसको हम हीट देना, हमें हीट देंगे तो क्या होगा? तो अंदर हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ जाएगा, मगर यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना, सिलेंडर का वॉल्यूम तो वही रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है, मगर बाय रीडिंग द डेटा वी कैन एस्टिमेट दैट दिस इज द वैल्यू और दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो यहाँ पे ये जो है, ये है हमारे पास P1 और T1, और वॉल्यूम कितना है? देखो वॉल्यूम भी हम कंसिडर कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल, बराबर है. ये पहला वॉल्यूम है, कितना है देखो फाइंड आउट कर लेते हैं हम. डी स्क्वायर मतलब 1 square हो जाएगा, इंटू एल मीन्स 4, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो हमारा पाई हो जाएगा ना. वॉल्यूम कितना है देखो, बुक में भी देख लेते हैं हम. वॉल्यूम जो है वॉल्यूम, ओके, नो डाउट, डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं किया है, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं
के पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 3.14 ही रहेगा, क्योंकि ये देखो ये तो है, ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा पाई रहेगा मतलब 3.14 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट के लिए लिख लेते हैं हम दूसरे पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में हम यहाँ पे हीट देते तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, बराबर है, तो पी टू हम लिख देते, पी टू कितना है 125 × 10³ पास्कल, 100 में से 125 हो गया। टेम्परेचर हमें पता नहीं, वी डू नॉट नो द टेम्परेचर, टी टू हमें नहीं पता है, वी टू कितना रहेगा, वी टू तो वही रहेगा ना भाई, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वी टू इतना ही हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड, कि यहाँ पे हीट हमें कितनी देनी रहेगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम वापस यहाँ पे देख लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट सप्लाइड क्या है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस व्हाट इज द इक्वेशन फॉर हीट सप्लाइड, वो हमें टेबल में देखना है। तो देखो टेबल में आप देख सकते हो क्या है, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये कोरिलेशन है, हीट सप्लाइड क्या है एम सी वी टी टू माइनस टी वन, बराबर एम सी वी टी टू माइनस टी वन। तो हमें पता है कि हमें हीट सप्लाइड फाइंड आउट करना है, और वो है एम सी वी, और वो है हमारा एम सी वी टी टू माइनस टी वन, क्लियर। अब हमारे पास टी वन तो है, टी वन है, मगर टी टू नहीं है ना हमारे पास, टी टू वैल्यू हमारे पास नहीं है, और दूसरा एम भी नहीं है, दो वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं एम फाइंड आउट करते हैं। तो एम के लिए देखो पहले पॉइंट के लिए सारी वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन, और देखो आर नहीं है तो आर एक काम करते हैं आर साइड में फाइंड आउट करते हैं, आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। तो सी पी क्या है, देखो सी पी जो है 14 और सी वी जो है 10.183, दोनों किलो जूल में है, याद रखना है आपको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी पी जो है 14.307 और सी वी जो है 10.183, क्लियर। तो देखो 14.307 माइनस 10.183 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 4.124, याद रखना है यूनिट कौन सा है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये यूनिट है, तो हमें जूल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन जो है हमारा क्या है, अननोन एम अननोन है ना, तो एम के लिए देखो एम इज इक्वल टू पी वन वी वन डिवाइड बाई आर टी वन। पी वन क्या था हमारा 100 × 10³, वी वन क्या है हमारा 3.14, आर क्या है हमारा 4.124, मगर याद रखना है यहाँ पे क्या करना है आपको, उसको जूल में कन्वर्ट करना है। और टी वन क्या था हमारा, देखो 300 केल्विन है ना, टी वन जो है 300, तो हम वापस ये कैलकुलेट कर लेते हैं 100 × 10³ × 3.14 डिवाइड बाय, ब्रैकेट करना है आपको 4.124 × 10³ × 300, क्या हो गया हमारा 0.253। बुक में से भी चेक कर लेते हैं कि वो आंसर मिल रहा है क्या हमें, वन मिनट बुक में भी चेक कर लेते हैं, ये जो है मास 0.254 के बराबर है, 0.253 kg, तो ये हो गया हमारा मास, बराबर है। अब क्या चाहिए हमें, सी वी तो है, टी टू नहीं है ना हमारा, तो टी टू फाइंड आउट करना है। तो टी टू के लिए देखो कोरिलेशन तो आपको यूज़ करना है। अब कोरिलेशन क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कौन सा कोरिलेशन है वो हमें पता है, कौन सा है कोरिलेशन, उसके लिए कोरिलेशन इज बेसिकली पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू, दैट वी ऑल नो। नाउ अननोन इज अवर टी टू, टी टू अननोन है, तो क्या हो जाएगा पी टू टी वन डिवाइड बाई पी वन 125 बराबर इंटू 10³ है, वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा,
T1 क्या है हमारा 300 केल्विन था और P1 जो है वो हमारा 100 × 10³। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम फाइंड आउट करते हैं 125 × 300/100 कितना हो गया, 375 हो गया। सो 375 केल्विन, बुक में भी हम चेक कर लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। ओके 375 केल्विन, ये आंसर हो गया हमारा T2 के लिए। अब जो है डायरेक्टली जो फाइंड आउट करना है वो ही लिख लेते हैं हम। फाइंड क्या है, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड जो है MCV T2 − T1। तो डायरेक्टली अब वैल्यू ही लिखनी है हमें। M जो था हमारा 0.253 × CV क्या है हमारा, देखो CV यहाँ से देख लेते हैं, 10.183, मगर किलो जूल में था तो जूल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। T2 है हमारा 375 और T1 क्या है 300, बराबर। देखो आंसर हमें जूल में मिलेगा क्योंकि हमने CV किस में रखा है, जूल में। तो 0.253 × 10³ × 10³ × 375 − 300 क्या आंसर आ गया, ये लिख लेते हैं हम आंसर जो है हमारा 192.425, ये जो हो गया हमारा जूल में, मगर हमें किलो जूल में करना है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो 193.22 किलो जूल, ये आंसर हमारा हो गया हीट सप्लाइड के लिए। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। सो दिस एग्जाम्पल वॉज बेसिकली फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो थैंक यू ऑल।